बट हाउ एवर इसको बहुत सारे क्वेश्चन लोग गलत करके आएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, दो कार है, एक का नाम पी है, दूसरे का नाम क्यू है, स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट इन ए स्ट्रेट लाइन पोजिशन, देयर पोजिशन आर रिप्रेजेंटेड बाई द पोजिशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, द टाइम डू कार हैव द सेम वेलोसिटी। समझना अब ये किस कैटेगरी का प्रॉब्लम है, ये देखो। तो अब अगर तुम देखोगे तो अगर एक कार है, दो कार है, दोनों का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है। कार पी का जो पोजीशन है, कार पी का जो पोजीशन है वो आपको ए टी प्लस बी टी का स्क्वायर दिया हुआ है, ए टी प्लस बी टी का स्क्वायर, और ये जो क्यू है उसको आपको एफ टी माइनस टी स्क्वायर ऐसे दिया हुआ, पोजीशन दिया हुआ। कहता है टाइम निकालो व्हेन हैव द सेम वेलोसिटी, उनकी जो वेलोसिटी है वो सेम है। अब आपको याद करो कि मैं बताया था किस कैटेगरी का प्रॉब्लम है, ये हमें पोजीशन से वेलोसिटी निकालना था, हम डिफरेंशिएट करते हैं, हम पहले वेलोसिटी तो निकाल लें कि जब वेलोसिटी सेम होगा उस वक्त टाइम कितना होगा। तो भाई वेलोसिटी निकालो पहले ना, वेलोसिटी कैलकुलेट करो। तो इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, dx/dt, इसको टाइम के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी ऑफ पी, वेलोसिटी ऑफ पी कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन ये, इसका 2b, ये आपको पता होगा। इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्यू इज इक्वल टू एफ और माइनस 2t, ये आ गया दोनों की वेलोसिटी। अब कहता है कि टी टाइम बाद दोनों की वेलोसिटी इक्वल है, तो दोनों की वेलोसिटी इक्वल कर दो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को इक्वेट कर दो। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को इक्वेट करोगे तो a प्लस 2bt दैट इज f माइनस 2t के इक्वल आ जाएगा, और अगर उसको इधर ले जाओगे तो a माइनस f इज इक्वल टू माइनस t कॉमन ले लो तो 2 और प्लस 2b, और इसका मतलब ये हुआ t की वैल्यू आ जाएगा f माइनस a दैट इज 2 2 प्लस 2b। तो f माइनस a 2 प्लस 2b मतलब जो है वो अपना डी ऑप्शन सही है, ठीक है ना, क्लियर है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, चलो।